दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश फैमिली आईडी कार्ड के विषय में। आपको पता है कि सरकार ने ये नई स्कीम शुरुआत की थी कुछ दिन पहले। मैंने इस पर काफ़ी वीडियो भी बना रखे थे कि वन नेशन वन कार्ड के विषय में ये पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ कि फैमिली आईडी कार्ड अगर आपका बना है तो कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं या नया फैमिली आईडी कार्ड आप कैसे बना सकते हैं। ये फैमिली आईडी कार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस फैमिली आईडी कार्ड से सरकार का लक्ष्य था कि प्रत्येक एक घर में एक फैमिली में सरकारी नौकरी देने का, साथ साथ अगर सरकारी नौकरी नहीं दे पाए तो प्राइवेट जॉब, मतलब कि एक फैमिली में एक नौकरी देना अनिवार्य किया गया था और सरकार इस पर लगातार काम भी कर रही है। लेकिन इसके लिए आपके पास फैमिली आईडी कार्ड होना आवश्यक है, मतलब आपको फैमिली आईडी कार्ड में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। अगर आपका फैमिली आईडी कार्ड बना हुआ है तो कैसे डाउनलोड करना मैं ये भी बताऊँगा, साथ साथ नया फैमिली आईडी कार्ड कैसे बनाना है वो भी बताऊँगा। सरकार ने इसके लिए एक फैमिली पोर्टल भी स्टार्ट किया था, उसके विषय में भी जानकारी दूंगा, तो आप इस वीडियो में बने रहें, यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है और इससे आपको और भी कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हेल्प हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। तो पूरा डिटेल जानने के लिए मैं आपको ले चलूंगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये देखिए मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ और आपको किसी भी ब्राउजर को अपने ओपन करना है और इसके बाद उसमें लिखना है फैमिली आईडी कार्ड और इसके बाद झागड़े न्यूज आपको जरूर लिखना है क्योंकि इससे हमारा ही वेबसाइट आपके सामने आएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक फैमिली आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड करें ये वाला एक आर्टिकल देखने को मिल रहा है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। मैं इसे नेट ऐप पे ओपन कर लेता हूँ। नेट ऐप ओपन करते ही आपके सामने पूरा पोस्ट ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने बता रखा है कि फैमिली आईडी है क्या, इसे कैसे डाउनलोड करना है, इसे कैसे बनाना है, पूरा डिटेल मैंने बता रखा है। मैं आपको लाइव करके सीधा दिखाऊंगा, तो इसके लिए आपको आना होगा नीचे क्योंकि यहाँ पर मैंने जो सरकार के द्वारा वेबसाइट चलाई जा रही है उसका लिंक दे रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं familyidup.gov.in, इसको आप नेट ऐप पर ओपन कर सकते हैं या आप क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। आपके सामने फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान का पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सभी परिवारों को मिलेगी फैमिली आईडी। लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति यहाँ पर करने का विचार सरकार रख रही है। तो देख सकते हैं ये पूरा पोर्टल है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं फैमिली आईडी है क्या। तो फैमिली आईडी है क्या, पहले मैं ये बता देता हूँ दोस्तों। फैमिली आईडी एक ऐसा आईडी कार्ड जिसमें आपके घर के सभी सदस्यों की जानकारी होगी। अब फैमिली आईडी कैसे बनाना है मैं बता दूं, इसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ देखने को मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको निर्देश देखने को मिल जाते हैं, देख सकते हैं आपको इनको पढ़ लेना है। परिवार रजिस्ट्रेशन हेतु परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। परिवार रजिस्ट्रेशन हेतु सभी सदस्यों का मोबाइल OTP के माध्यम से eKYC जाना अनिवार्य है, जिसके लिए सभी सदस्यों का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। ऐसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध है उनकी राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी होगी तथा उनको फैमिली आईडी बनवाने की आवश्यकता नहीं है। उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन के उपरांत आधार संख्या डालकर फैमिली आईडी डाउनलोड या प्रिंट की जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा अपडेट था, जिनकी भी राशन कार्ड उत्तर प्रदेश सरकार ने बना रखे हैं उनको फैमिली आईडी कार्ड नहीं बनवाना है, उनका राशन कार्ड नंबर ही फैमिली आईडी कार्ड है, वो सिर्फ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले डाउनलोड करना बता देता हूँ। डाउनलोड करने के लिए आपके राशन कार्ड में सपोज दैट 5 लोगों के नाम है और सभी के यहाँ पर उनके आधार कार्ड लिंक है और उनके मोबाइल नंबर भी लिंक है आधार से, तो आपको किसी एक का यहाँ पर नाम डाल देना है और एक मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड हो आपके आधार में वो डालना है और सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मेरे OTP भेज दिया गया, देख सकते हैं मैंने OTP डाल दिया और एक कैप्चा डाल दिया। अब आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने ऐसा पोर्टल आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको किसी फैमिली के एक व्यक्ति का आधार नंबर यहाँ डालना है और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। ध्यान, तो जैसे आप डालेंगे तो आपके सामने देखिए उसका नाम आ जाएगा, लिंग आ जाएगा, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं वो आ जाएगा। फैमिली आईडी देखने या प्रिंट हेतु आधार लिंक्ड मोबाइल पर OTP भेजें का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो मेरे पर OTP भेज दिया गया है, जो भी आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल है वो यहाँ 4 अंक दिखा भी रहा है। अब आपको OTP वेरीफाई करें पर क्लिक करना है। तो आपकी नीचे आपकी फैमिली आईडी ये है, प्रिंट हेतु यहाँ क्लिक करें। अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। आपके सामने पूरा फैमिली आईडी बनकर आ जाएगी, जितने भी सदस्य हैं उन सभी का यहाँ पर नाम लिखकर आ जाएगा, आपको ध्यान ये रखना है। अब आपको नीचे आना है,
और प्रिंट ऑप्शन का आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए आपके पास प्रिंट का ऑप्शन आ चुका है, आप प्रिंटर से आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं या सेव टू पीडीएफ भी कर सकते हैं। ये आपका फैमिली आईडी डाउनलोड हो चुका है। तो ऐसे आप बहुत ही आसानी से अपने फैमिली आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन पर क्लिक करके भी कर सकते हैं, अगर रजिस्टर्ड नहीं हैं तब भी आप अपना एक फैमिली के किसी एक व्यक्ति का नाम जो आपके राशन कार्ड में लिखा हो उसका नाम डाल करके और मोबाइल नंबर डाल करके आपको वेरीफाई करना होगा, और आधार कार्ड डालकर फिर से ओटीपी डालकर आप आसानी से नया भी बना सकते हैं। हालांकि यहाँ पर सरकार ने बताया कि अगर जिनके भी राशन कार्ड बने हैं उनका फैमिली आईडी कार्ड ऑलरेडी बना हुआ है, सिर्फ उन्हें डाउनलोड करने की ही आवश्यकता है। लेकिन जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं वो फैमिली आईडी कार्ड बना सकते हैं। उसका प्रोसीजर अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिनके आधार वो नहीं बने हैं राशन कार्ड उनको कैसे बनाना होगा फैमिली आईडी कार्ड, मैं आपको बता दूंगा। मैंने आज आपको बताया कि फैमिली आईडी कार्ड आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं जिनका ऑलरेडी फैमिली आईडी कार्ड बना हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी डाउट अगर आपके मन में रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।